Hello everyone, I'm Supriya, back with another video in the series of Madhya Pradesh GK, and if particularly we'll see to independence movement in Madhya Pradesh. अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो यू पीपल मस्ट नो दैट हम लोगों ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बैकग्राउंड और रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो मध्य प्रदेश में हुआ है कहाँ से शुरू हुआ है वहाँ तक हमने देखा था. और हमारे तीन हेड्स में हमने इसको डिवाइड किया था, बैकग्राउंड, मेल लीडर्स और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स. ठीक है, तो आज हम जो बाकी के दो बच्चे हेड्स हैं, मेल लीडर्स और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, वो देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन. छोटा सा टॉपिक है और एक ऑलरेडी फॉर्म्ड आंसर ही है, कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है कि ये आ सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन बता दीजिए मध्य प्रदेश के फ्रीडम स्ट्रगल में. तो हमें सीधा सीधा आप कह सकते हो कि आंसर फॉर्मेट में ही आपको समझ में आ जाएगा, पॉइंट्स में ही देखेंगे हम. ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर. ये देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन लीडर्स. ठीक है, अब हमको पता है कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री बहुत रिच है. ठीक है, और इतनी रिच क्यों है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन वुमेन का बहुत मेजर रहा है ना. जैसे कि लक्ष्मी बाई, अवंती बाई देख रहे हैं हम, झलकारी बाई, गिरधारी बाई, है ना, दुर्गावती जो थी वो, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो वुमेन रूलर्स हैं बहुत एक्टिव रहीं. ठीक है, तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो सबसे पहले हम देखेंगे लक्ष्मी बाई. ठीक है, रानी लक्ष्मी बाई, कौन इनको नहीं जानता है, आई डोंट हैव टू मैंशन कि ये कौन थी क्या थी, लेकिन फिर भी अगर हमको आंसर लिखना है तो हमको एक बहुत पर्टिकुलर डिफाइंड पॉइंट्स में पता होना चाहिए कि हमारा इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें, कंक्लूड हम इसको कैसे करें. इसीलिए हम इसको पॉइंट वाइज अच्छे तरीके से एक बार देख लेते हैं. ठीक है, लक्ष्मी बाई, ठीक है, कौन थी लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी बाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी. ठीक है, ये है इनकी फ़ोटो, पता ही है आपको. ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से देखेंगे, जैसे कि मेंशन्ड है 19 नवंबर 1828. ठीक है, तो 19 नवंबर 1828 में इनका बर्थ हुआ था. कहाँ पर बर्थ हुआ था इनका, इनका बर्थ हुआ था वाराणसी, है ना, बनारस. ठीक है, यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था. उसके बाद इनकी शादी हो गई थी. किससे शादी हुई थी इनकी, झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, उनसे इनकी शादी हो गई थी, ये भी हमको पता है. ठीक है, तो ऐसे ये कहाँ बनी, क्या बनी है, झांसी की क्वीन ऑफ झांसी बनी. ठीक है, इनका जो रियल नेम था वो क्या था, मणिकर्णिका था. ठीक है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए आपकी, है ना, कि मणिकर्णिका या फिर मनु, है ना. मूवी देखी होगी अगर तो उसमें भी पता है मणिकर्णिका, कंगना रनावत जो बनी हुई थी. ठीक है, तो ये इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है. यहाँ पे पैदा हुई हैं, इस डेट को पैदा हुई हैं ये, इनका बचपन का नाम ये था. ठीक है, और इनका शादी इनकी किससे हुई थी, गंगाधर राव से हुई थी. ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि गंगाधर राव की अर्ली डेथ के वजह से और उनकी कोई संतान नहीं थी, ही डोंट हैव अ सन, तो उसकी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट डलहौजी की थी, उसके अंदर जो झांसी है ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था. इसके अगेंस्ट इन्होंने पूरा 1857 का रिवॉल्ट लड़ा है बेसिकली, है ना. अगर कहें तो शी वॉज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट, बट अगर कहें तो जैसे कि और सारे लोग, जैसे कि तात्या टोपे को हम देखते हैं कि जिन्होंने लिटरली 1857 का रिवॉल्ट पैन इंडिया, मतलब एक इंडिया को अगेंस्ट, इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इस तरीके से लड़ा था. लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक्स, और हम देखें कि अगर लक्ष्मी बाई का था तो इनका थोड़ा सा एरिया सेंट्रिक रिवॉल्ट था, है ना. शी वॉज फाइटिंग फॉर हर झांसी, है ना, तो बट शी वॉज अ ग्रेट लीडर, यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज हर फॉर दिस. तो ठीक है, ये इतनी चीज़ें हमको पता है झांसी की रानी के बारे में. ठीक है, और हमको इनके बारे में क्या देखना है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इनका जो रिवॉल्ट हुआ था झांसी में, रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ है, हमें पता है कि मेरठ रिवॉल्ट स्टार्ट 1857 का मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को, लेकिन झांसी में इसका स्टार्ट कब हुआ, तो झांसी में पर्टिकुलर डेट देखेंगे 7th जून. ठीक है, 7th जून 1857. ठीक है, इस डेट को रिवॉल्ट झांसी से शुरू हुआ है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अगर हम सीधा डायरेक्टली देख लें तो 18th जून 1858 को इस पर क्या हुआ था, इस पर झांसी की रानी लड़ते लड़ते, है ना, इनकी डेथ हो गई थी. कब हो गई थी, 18th जून 1858 को. तो कह सकते हैं कि इस डेट को ये रिवॉल्ट ख़त्म हुआ था, है ना, या फिर इनकी डेथ हो गई थी इस रिवॉल्ट, मतलब इस रिवॉल्ट के एंड के साथ इनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो ब्रिटिश कमांडर है, ब्रिटिश का जो लीडर थे वो कौन थे, तो हमें पता है यूरोज थे. ठीक है, स्पेलिंग है ये यूरोज.
ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश लीडर या ब्रिटिश कमांडर जिनका रानी झांसी की रानी के साथ रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी याद रखना है कि जब इनका रिवॉल्ट हुआ था इन्होंने क्या किया था, एट लास्ट है ना, जब इनका जो घोड़ा था, कौन घोड़े का नाम क्या था, इनका घोड़े का नाम भी याद रखना है हमें, बादल है ना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, या क्वेश्चन आ सकता है, नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि फेमस घोड़े थे ये कह सकते हैं, तो बादल याद रखना है, ठीक है। तो जब इनका जो घोड़ा था वो एक नाला आ गया था एट लास्ट रिवॉल्ट में, तो वो जब क्रॉस करने से ही डिनाइड, काइंड ऑफ ही डिनाइड, ही वॉज नॉट अप फॉर दैट, तो फिर शी फेल डाउन एंड इन्होंने अपने ही तलवार से जो भी है कि खुद को सुसाइड कर लिया था, ठीक है, बिकॉज उनको नहीं, उसके साथ ब्रिटिशर्स ये हाथों तो मरना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो ये हुआ था झांसी की रानी के साथ, 18 जून 1858 को इन्हें सुसाइड कर लिया था, शी डाइड, ठीक है। ये लिख, ये हमको बता देना है कि कैसे रिवॉल्ट हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो हमें ये भी पता है कि जो हीरोज थे उन्होंने कहा था कि शी वॉज द ओनली मैन इन हर होल आर्मी, है ना, मतलब ऐसे करके उनको उनने कह सकते हैं कि अप्रिशिएट किया था कि शी वॉज सच अ ग्रेट लीडर, ठीक है, ऐसे करके हीरोज ने इनको वो किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी जो मेमोरी में या इनकी याद में, हाँ जी, इनकी मेमोरी, इनकी याद में हमको देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव्स हुए हैं अगर हम पर्टिकुलरली एक एक देखें, तो सबसे पहले तो देखिए मैंने फ़ोटोज़ ऐड करी हैं, शायद नेक्स्ट स्लाइड में है, हाँ जी, ये देखिए, ये पहली फ़ोटो है रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल, फूलबाग मैदान, ग्वालियर, ठीक है। इनका मेमोरियल मतलब इनकी जो समाधि बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है, फूलबाग ग्वालियर में, ठीक है, याद रखना है हमको प्रॉपर जगह, फूलबाग ग्वालियर में बनी हुई है इनकी समाधि, ठीक है। और यहीं पर इनकी मतलब जो डेथ एनिवर्सरी है वो सब सेलिब्रेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखेंगे हम क्या है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, LNIP है ना, ग्वालियर में ही है ये भी, है ना, फिजिकल एजुकेशन का मध्य प्रदेश में, दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट, इवन इंडिया का भी ये समथिंग लाइक ओनली या सेकंड, आई डोंट नो, दो तीन इंस्टीट्यूट, बहुत कम इंस्टीट्यूट है, इट इज़ वन ऑफ द, ठीक है। तो ये दोनों इनके नाम पर रखा गया है। और ये भी याद रखना है कि जो LNIP है इसका, इसको स्टैब्लिश कब करा था, इसको स्टैब्लिश करा था 1957, ये MPPSC प्री का क्वेश्चन है कि LNIP के स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1957 में क्यों हुआ है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हम याद रख सकते हैं। देखिए 1857 का रिवॉल्ट था, 1857 के रिवॉल्ट के जो 100 साल पूरे हुए थे, उन 100 सालों को मतलब उन 100 सालों की जो जयंती काइंड ऑफ मनाते हैं, जो भी मनाते हैं वो डिकेडल, तो उसको उसके मतलब उपलक्ष में कह सकते हैं 1957 को इसकी नींव रखी गई थी, या फिर इसको स्टैब्लिश किया, इनॉगरेशन किया गया था इसका, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमें लक्ष्मीबाई के बारे में याद रखनी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक्स वुक्स में नहीं मिलती, एडिशनल ही फैक्ट है ये आपको याद रखना है, जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, शी इज़ अ पोइट ऑफ मध्य प्रदेश ओनली, सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन है, नाम लिख देती हूँ मैं, देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, शी इज़ अ पोइट, और इन्होंने एक पोएम लिखी है, आप लोग MP बोर्ड से होंगे, CBSE का मुझे नहीं पता, आई एम ऑल्सो फ्रॉम MP बोर्ड, सो MP बोर्ड में आपको देखने को मिला होगा कि इनकी झांसी की रानी, इनने अपनी पोएम लिखी है, कौन सी, झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी, बहुत ही अच्छी वीररस की कविता है ये, ठीक है, आई रिकमेंड यू ऑल टू रीड दिस, बहुत अच्छी इन्होंने एक कविता लिखी हुई है झांसी की रानी। तो ये ऑब्वियसली झांसी की रानी के बारे में ही इन्होंने कविता के रूप में पूरा उनका फ्रॉम हर बर्थ टू हर डेथ और आफ्टर दैट ओनली, मतलब इन्होंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वीर रस और वीर गाथा के एक स्वरूप में पूरा अच्छे से डिफाइन किया है रानी लक्ष्मीबाई की पूरी अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, हाँ जी, मैं ये रेस कर देती हूँ, ये हमारी लक्ष्मीबाई का हो गया है, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, इनकी बर्थ 19 नवंबर 1828 कहाँ, वाराणसी में हुई है, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका मनु था, ठीक है। उसके बाद जो 1857 का रिवॉल्ट है, हाँ, ऑल इंडिया में मेरठ 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ है, और अगर कहते हैं कि झांसी कब पहुँचा है, तो 7 जून 1857 को ये झांसी पहुँचा है, ठीक है। उसके बाद इन जो ये जो रिवॉल्ट में लड़ी है, तो इन जो ब्रिटिश कमांडर वो कौन था, उनका नाम था हीरोज, ठीक है, और ये लड़ते लड़ते अराउंड 8 to 10 months शी फॉट, है ना, काफ़ी बैटल्स में इन्हें हराया भी है ब्रिटिशर्स को, लेकिन एट लास्ट इनका जो घोड़ा था ही फेल डाउन, ही फेल इल, या जो भी हुआ है, बादल जिसका नाम था, उस वजह से शी काइंड ऑफ डिफीटेड, ठीक है। और
उस वजह से जो ब्रिटिश कमांडर्स थे उन्होंने इनको घेर लिया था, तो इन्होंने खुद है ना सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया एंड शी डाइड ऑन 18 जून 1858। ठीक है, 18 जून को मध्य प्रदेश सरकार एक बालिका दिवस करके कुछ है, मैं एग्जैक्ट आई डोंट नो, आई लेट यू नो, तो वो भी सेलिब्रेट करती 18 जून को ही। ठीक है, बिकॉज ऑफ हर डेथ एनिवर्सरी, है ना, इन ऑनर ऑफ हर डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, लक्ष्मीबाई मेमोरियल, इनकी जो समाधि स्थल है ग्वालियर में स्टैब्लिश करा है, LNIPE, ये जो फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, ये भी स्टैब्लिश करी है। हाँ, और सुभद्र कुमारी चौहान की जो झांसी की रानी कविता है, ये भी हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मैंशन कर सकते हैं। तो दिस इज आइडियल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ गुड आंसर इन मेन्स। ठीक है, ओके, अब व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, रानी अवंतीबाई। ठीक है, रानी अवंतीबाई, ये तो बहुत ही अच्छी से मतलब लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन आप पढ़ते हो, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉट इन ओनली इन फ्रीडम स्ट्रगल, इन एनी वे। ठीक है, तो अब अवंतीबाई के बारे में क्या पता है हमको, अवंतीबाई का देख लीजिए, बर्थ यहीं लिख दिया है मैंने, 16 अगस्त 1831 को शी वॉज बॉर्न। कौन थी ये, शी वॉज अ लोधी क्वीन। कौन थी, शी वॉज अ लोधी क्वीन, कहाँ की थी, रामगढ़ की थी, रामगढ़ में लोधी क्वीन थी। ठीक है, रामगढ़ आज कहाँ पर है, डिंडोरी। ठीक है, अगर प्रेजेंट में देखें कि वेयर इज रामगढ़, तो इट इज इन डिंडोरी। डिंडोरी पता है ना, एमपी के मैप में इफ यू सी तो ईस्ट साइड में आता है डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी मंडला वंडला इन सब सारी चीज़ों के पास। ठीक है, तो क्या थी, लोधी क्वीन थी, रामगढ़ डिंडोरी की क्वीन थी। ठीक है, 16 अगस्त 1831 को शी वॉज बॉर्न। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिलता है कि शी वॉज मैरिड टू विक्रमादित्य, मतलब और उनकी भी जल्दी डेथ हो गई थी, तो शी वॉज अ विडो विक्रमादित्य, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी इनकी, ठीक है, विक्रमादित्य की, शी वॉज अ विडो विक्रमादित्य। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद इन्होंने भी ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट रिवोल्ट करा है। ठीक है, और हमको इसके बारे में क्या याद रखना है कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि ये तो रानी लक्ष्मीबाई है ही। ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लक्ष्मीबाई ऑफ रामगढ़। क्या कहते हैं इनको, लक्ष्मीबाई ऑफ रामगढ़, लक्ष्मीबाई ऑफ रामगढ़। ठीक है, ऐसे रॉबिन हुड वाले में भी आपको दो तीन चीज़ों में आएंगे कि रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, ऐसे इसमें भी आता है। लक्ष्मीबाई तो लक्ष्मीबाई है ओरिजिनल, अवंतीबाई को लक्ष्मीबाई ऑफ रामगढ़ कहती हैं, और जो दुर्गावती हैं उनको लक्ष्मीबाई ऑफ मध्य प्रदेश, नॉट मध्य प्रदेश, आई गेस महाकौशल, सॉरी आई डोंट नो दैट, आई एम कन्फ्यूज इन दैट फैक्ट। तो उनको भी कुछ लक्ष्मीबाई ऑफ सेंट्रल इंडिया कहते हैं शायद, है ना, आई एम नॉट श्योर। तो अब अवंतीबाई का देखते हैं अभी, तो लक्ष्मीबाई ऑफ रामगढ़ कहते हैं ना। ठीक है, 16 अगस्त 1831 को शी वॉज बॉर्न। उसके बाद इनके इनका इनका रिवॉल्ट हुआ है ब्रिटिशर्स के साथ, पहला इनका जो बैटल हुआ है ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब पहला काउंटर हुआ है, वो कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, मतलब ये देखते हैं। तो पहला काउंटर इनका हुआ है विलेज, एक था विलेज खैरी। ठीक है, खैरी, खैरी में इनका ब्रिटिशर्स के साथ पहला काउंटर हुआ था। ठीक है, उसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स को मतलब धूल चटा दी थी कह सकते हैं, दे ही शी डिफीटेड ब्रिटिशर्स, है ना, पहले बैटल में। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स वॉज वे पावरफुल, ऑब्वियसली दे हैव सो मच वेपन्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, है ना, ये लोग दे वर लाइक इंडियन 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 लीडर्स वर नॉट मतलब दे डोंट हैव सफिशियंट वेपन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो फिर ये पहला एनकाउंटर हुआ उनके साथ, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। उसके बाद शी वेंट टू द जंगल्स ऑफ देवहरीगढ़, कहाँ पे चली गई थी, देवहरीगढ़ के जंगल्स में चली गई थी। ठीक, नाम लिख देती हूँ मैं, देवहरीगढ़, मैं बोल रही हूँ राइटिंग, तो आई डोंट थिंक सो यू पीपल विल गेट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देवहरीगढ़ के जंगल में ये चली गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने वही गोरिल्ला वॉरफेयर से लड़ती रही। ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ब्रिटिशर्स, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स डोमिनेटेड ऑल ऑफ देम, तो फिर ये शी हैव टू लाइक सरेंडर, तो ये लोग करना जानते ही नहीं थे, दे वर सो ब्रेव, ना लक्ष्मीबाई ना अवंतीबाई। तो इन्होंने भी वही करा, इन्होंने भी अपनी कटार निकाल कर शी किल्ड हर सेल्फ, है ना, इन्होंने भी वही सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो इन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर का याद रखना है हमको, गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, और हाँ ये याद रखना है हमको, जो ब्रिटिशर कमांडर था वो कौन था इनके टाइम पे, कैप्टन वार्डन। ठीक है, ये याद रखना है, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, कैप्टन वार्डन। ठीक है, और इनके टाइम पे भी यही हुआ था कि जो इंडियन लीडर्स थे या इंडियन सोल्जर्स थे, सोल्जर्स नहीं, जो जमींदार वगैरह होते थे ना आसपास की रियासतों के जो हेड होते थे, उन्होंने इनके साथ भी वही करा था, मतलब ट्रेचरी करी थी, इनके जो लोकेशंस वगैरह ब्रिटिशर्स को बता दी, दैट्स वाई शी गॉट कॉट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो क्या क्या हो गया इनके बारे में, अवंतीबाई वॉज द क्वीन ऑफ रामगढ़,
ठीक है, शी वॉज बॉर्न ऑन 16 अगस्त 1831, ठीक है, शी वॉज अ लोधी क्वीन, शी वॉज अ विडो ऑफ विक्रमादित्य, है ना। और इनका रिवॉल्ट कब हुआ है ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स का हेड उस टाइम पे कौन था, कैप्टन वार्डन था। फर्स्ट एनकाउंटर कब हुआ था, फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था इनका विलेज खैरी में, ठीक है। उसके बाद शी वेंट टू दी जंगल्स ऑफ देवहरीगढ़, ठीक है। उसके बाद इनको क्या कहते हैं, लक्ष्मीबाई ऑफ रामगढ़ इनको कहते हैं। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो होती है वो इन्होंने अपनाई और उससे ये लड़ती रही। आफ्टर दैट जब ब्रिटिशर्स ओवरपावर्ड हो गए तो फिर उन्होंने अपने आप को शिकेल्ड हरसेल्फ विथ हर ओन सॉर्ड, ठीक है। ये हो गया अवंती बाई के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि अवंती बाई की जो समाधि है वो कहाँ पर है। तो अवंती बाई की समाधि हमको देखने को मिलती है, ये देखिए, ये मैंने फोटो ऐड करी है, बालपुर डिंडोरी, ठीक। कहाँ पर है अवंती बाई की समाधि, बालपुर एक जगह है डिंडोरी में, वहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है, अवंती बाई की, ठीक है। ये इतना हो गया अवंती बाई के बारे में, मतलब इससे आप कंक्लूड कर सकते हो। और भी अगर आपको करंट का है कुछ रिसेंट फैक्ट ऐड करना है तो ये देखिए, बरगी डैम, जो बरगी डैम है नर्मदा रिवर पर, और जो नर्मदा वाटर अथॉरिटी है ना NVDA, तो उन्होंने क्या करा है, बरगी डैम का एक जो पार्ट है उसको अवंती बाई के नाम पर रखा है, ठीक है। अवंती बाई के नाम पर इन्होंने क्या करा है, बरगी डैम का नाम रखा है इन हर ऑनर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू ऑनर या फिर टू अप्रिशिएट, या जो भी कह सकते हो कि जो भी हमारे शहीद थे या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मैं इसको एड्रेस करने का, दीज आर देयर इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी प्रॉपर आंसर ऑफ अवंती भाई, है ना। इससे ज़्यादा आप क्या लिखोगे, जैसे और डाक टिकट्स जो वगैरह होती है ना वो भी, स्टैम्प्स, ये भी काफ़ी सारे इन्होंने लॉन्च करे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इनकी समाधि मालूम होनी चाहिए बालपुर डिंडोरी में, और जो रिसेंट वाला है कि बरगी डैम का नाम अवंती भाई रखा गया एक पार्ट का उसके, है ना। किसने रखा है, नर्मदा वाटर वाटर अथॉरिटी ने, वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी NVDA ने रखा है, ठीक है। बरगी डैम का नाम रावनी अवंती बाई के नाम पर रखा है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो हमारी हो गई लक्ष्मी बाई और अवंती बाई कंप्लीट हो गई हमारी। और हाँ, ये डेट, सॉरी आई फॉरगॉट, ये 20 मार्च 1858 को है ना, इस दिन शी किल्ड हरसेल्फ, है ना। उन्होंने सुसाइड कब करा था, 20 मार्च 1858 को करा था, ठीक है ना। डेट्स याद रखना है, डेट्स यू डोंट हैव टू, यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल एनी ऑफ द डेट, ठीक है। अब आ गई है झलकारी बाई, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा डिटेल तो लक्ष्मी बाई अवंती बाई में ही था। झलकारी बाई आपको पता है, झलकारी बाई वॉज बॉडी गार्ड ऑफ लक्ष्मी बाई, ठीक है। ये देखो इसमें आपको मिल जाएगा, झलकारी बाई वॉज अ दलित वुमेन वॉरियर, ठीक है। मतलब ये कोली कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, दलित वुमेन थी, ठीक है। तो और इनके जो पति थे वो भी लक्ष्मी बाई की जो आर्मी है उसमें, ही वॉज आर्मी मैन, ठीक है। तो झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई की आर्मी में जो एक दुर्गा दल था, ठीक है, ये याद रखना है आपको, है ना। दुर्गा दल करके एक आर्मी, या फिर कहते हैं ना कि आर्मी में डिविजन्स होते हैं कि ये कैवलरी इन्फेंट्री, तो एक दुर्गा दल था शायद वुमेन वाला जो होगा, तो उसके शी वॉज द हेड झलकारी बाई, ठीक है। तो लक्ष्मी बाई ने खुद को किल कर लिया, और इनने भी यही सेम चीज करा था। शी वॉज ऑल्सो फाइटिंग विथ, मतलब शी वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग लक्ष्मी बाई ऑल द टाइम इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो झलकारी बाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इनकी समाधि कहाँ पर है, इनकी समाधि भी ग्वालियर में है, ठीक है। उसके बाद गिरधारी बाई आ गई हमारी। गिरधारी बाई कौन थी, गिरधारी बाई वॉज द बॉडी गार्ड ऑफ अवंती बाई, ठीक है। इन्होंने अवंती बाई का सपोर्ट करके 1857 के रिवॉल्ट लड़ा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। गिरधारी बाई का क्या पता उस टाइम, गिरधारी बाई की जो समाधि है वो कहाँ पर है, मंडला में है, ठीक है। गिरधारी बाई की समाधि मंडला में है। और हाँ ये बात है कि अवंती बाई ने जो, व्हेन शी किल्ड हरसेल्फ ना, तो शी मतलब गिरधारी बाई की जो कटार होती है ना वो निकाल के शी किल्ड हरसेल्फ, कुछ ऐसा इंसिडेंट था, ठीक है। और गिरधारी बाई का बस यही हो गया कि शी वॉज द बॉडी गार्ड ऑफ अवंती बाई, एंड उनकी समाधि कहाँ पर है, मंडला में। इनकी समाधि कहाँ पर है, मंडला में, ठीक है। इतना याद रखना है। तो दिस इज द होल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। और भी वुमेन थी लेकिन ये जो मेजर यही है, ठीक है, हमको ये याद रखना है। ये चारों एटलीस्ट, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन आता है तो 11 नंबर में भी आप लिख सकते हो। पर्टिकुलरली लक्ष्मी बाई का आता है उसमें भी आप प्रॉपर आंसर मैंने बताया उतने में लिख सकते हो। अवंती बाई का आता है उसमें भी यू हैव अ प्रॉपर आंसर विद इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। झलकारी बाई गिरधारी बाई का आएगा तो 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इनके बारे में इतना मैटर है भी नहीं हमारे पास, ठीक है। ओके चलिए, अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। देन वी विल गो टू आर लीडर्स, ठीक है। अब हम नॉट पर्टिकुलर वुमेन लीडर्स, इन जनरल सारे लीडर्स देखने हैं हमें, ठीक है। अब हमें कौन कौन से लीडर्स देखने हैं, सबसे पहले मालवा रीजन के लीडर्स देखने हैं हमें, ठीक है। मालवा रीजन, मालवा रीजन कौन सा होता है पता है ना, इंदौर में बैठे हैं, यू नो दैट व्हाट इज मालवा रीजन। तो मालवा रीजन के लीडर्स कौन कौन है, सबसे मेजर अगर हम देखें तो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो महू कैंट रिवॉल्ट पढ़ा था ना, महू का रिवॉल्ट, तो उसमें कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं, जो सादत खान थे उनका पूरा। तो मालवा रीजन के सबसे बड़े लीडर हम देखें तो शादत खानी थे, ठीक है। कौन थे,
स्पेलिंग इनकी अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है, ठीक है। तो सादत खान ही कहते हैं वैसे तो उनको, ठीक है। ये थे, ही वॉज द ग्रेट लीडर ऑफ मालवा रीजन। इनके बारे में अगर हम डिटेल्स देखें तो, हाँ जी, तो हाँ, सादत खान कौन थे? ये जो होलकर आर्मी थी ना, होलकर जो लीडर्स थे उनके आर्मी मैन कह सकते हो आप, वो थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना एक ग्रुप क्रिएट करके, जो रेसिडेंसी थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, अभी भी है इंदौर में रेसिडेंसी, अनिल गोदे, तो इन्होंने उस पर रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्ट ऐसे उस पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, नॉट रिवोल्ट, ठीक है। और हाँ, इन्होंने रिवोल्ट अटैक करा था वो किससे करा था, एक कैनन थी, उस कैनन का नाम था फतेह मंसूर। क्या नाम था उसका कैनन का? फतेह मंसूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि जो कैनन ही यूज्ड टू अटैक ऑन रेसिडेंसी वॉज नेम्ड फतेह मंसूर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आज भी ये कैनन, इट इज प्लेस्ड इन द म्यूजियम ऑफ इंदौर, ठीक है, ये हमको याद रखना है। इन्होंने रेसिडेंसी पे हमला किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि, हाँ जी, मतलब ये इन्होंने ब्रिटिशर्स को, मतलब इन्होंने जो अपनी जो आर्मी इकट्ठी करके ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी, तो वहाँ पे जो रेसिडेंसी के ब्रिटिशर्स थे, ये दे लेफ्ट दैट एरिया। बट हुआ क्या कि जैसे ब्रिटिशर्स आगे गए भोपाल, जब वहाँ पहुँचे तो भोपाल की, जो उस टाइम पे जब हम भोपाल पढ़ेंगे तो वी गेट टू नो कि जो सिकंदर बेगम थी ना, उन्होंने क्या करा, उनको शेल्टर प्रोवाइड करा दिए, शेल्टर, और बिल्कुल कह दिए कि हाँ ठीक है ठीक है, वी विल सपोर्ट यू, ऐसा वैसा जो भी करा है उन्हें। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स दे गॉट पावर्ड एंड लाइक कह सकते हैं कि फिर से उनको सब समय भी मिल गया और सारे आर्म्स, अमिनेशन, सब चीज़ प्रोवाइड करा दी। तो जो ब्रिटिशर्स थे, कौन कौन थे, कैप्टन कीथ और कर्नल ड्यूरेंट, ठीक है, ये दोनों वहाँ से, सिकंदर बेगम ने जो उनको शेल्टर प्रोवाइड कराया, वहाँ से फिर ये पावर्ड और फिर ये एक्टिव होकर फिर वापस आए। इन्होंने फिर वापस आकर महू में अटैक किया है एंड देन दे सक्सीडेड इन डिफीटिंग द होल आर्मी ऑफ लाइक सादत खान इन महू, ठीक है। उसके बाद तब भी सादत खान को पकड़ना वॉज नॉट पॉसिबल, सादत खान भाग गए थे, ही वॉज ही लेफ्ट, है ना। और फिर ये यही करते रहे, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। उन्होंने कभी, मतलब कह सकते हो कि जो फ्रीडम मूवमेंट का एक जो वो था ना, जो भावना थी फ्रीडम मूवमेंट की, वो उन्होंने कभी कम नहीं होने दी। कहीं पे भी रहे, अजमेर या आगरा, यहाँ पे भी रहे हैं ये, उज्जैन में भी रहे हैं, इन्होंने जहाँ पे भी रहे वहाँ पे ये फ्रीडम मूवमेंट का इन्होंने जो फ्लेम है वो एकदम कंटिन्यू करके रखा है हर जगह पर, ठीक है। तो हमको ये देखने को मिलता है इनके बारे में। लेकिन 17 साल के बाद, आफ्टर 17 साल, है ना, एक जो ट्रेटर था, इंडियन ट्रेटर, जिसने फिर से ट्रेचरी करी और फिर से इनको पकड़वा दिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने 17 साल बाद, ब्रिटिशर्स मतलब गॉट सक्सेसफुल इन लाइक कॉटिंग हिम, ठीक है, इन कैचिंग हिम, सॉरी, ठीक है। उसके बाद 17 साल बाद इनको पकड़ा, फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर, ठीक है, डेट याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1974 को इनको फांसी पर लटका दिया गया है। और फांसी पर कहाँ लटकाया गया है, अगर आप एमपीपीएससी के ऑफिस गए होंगे तो आपको सामने, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सामने एक बनियान ट्री है, वहाँ पर इनको फांसी पर लटकाया गया था, ठीक है। वहीं पर इनकी मज़ार भी बनी हुई है, ये देखिए, ये मैंने फोटो ऐड करी, तो ये जो मज़ार है ये इन्हीं की मज़ार है, ठीक है। तो जस्ट बाहर एमपीपीएससी के ऑफिस के बाहर अब जाओगे तो यू विल गेट टू सी दिस, ठीक है। ये हुआ है, उसके बाद ये था सादत खान का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और कुछ है इंपॉर्टेंट क्या इनके बारे में? नहीं, बस दिस इज इट, ओके, ठीक है। और हाँ, नाम याद रखने हैं हमें, है ना, कैप्टन कौन कौन थे, कैप्टन कीथ, ठीक है, और कर्नल डूरेंट, ठीक है, याद रखना है हमको, ठीक है। ये हो गया सादत खान का। और मालवा के कौन कौन थे मेन? मालवा का और मेन जो लीडर थे वो थे राजा बख्तावर, ठीक है, राजा बख्तावर, या बख्तावर सिंह भी कहते हैं इनको, ठीक है। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ना, सादत खान होगा, मिटा रही हूँ मैं इसको। अब सेकंड वन हो गए कौन, बख्तावर सिंह, ये कहाँ के लीडर थे, ये लीडर थे धार अमझेरा, ठीक है, अमझेरा प्रॉपर, है ना, धार में एक जगह है अमझेरा, ठीक है, पता होगा आपको वहाँ के, ही वॉज द लीडर, ही वॉज द लीडर ऑफ अमझेरा धार, ठीक है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि, हाँ, इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इन्होंने भी वही 1857 का रिवॉल्ट लड़ा है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, भोपावर कैंट भी था, कहीं पे कैंट मेंशन है, कहीं पे भोपावर एज अ सिटी मेंशन है, जो भी है, ही कैप्चर्ड दैट, है ना, भोपावर इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया, दे कैच हिम, और 10 फरवरी, 10 फरवरी और
ईयर था 1858 आई गेस ना, हाँ 1858 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, फांसी कहाँ दे दी गई थी इनको? इनको फांसी दी गई थी MTH कंपाउंड इंदौर में। ठीक है, MTH कंपाउंड इंदौर बोल रही हूँ मैं आवाज़ से, आप नोटेड डाउन कर लें, डोंट गो फॉर दिस राइटिंग। ओके ठीक है, ये हुआ है इनके साथ। और उसके बाद क्या हुआ कि जो अमझेरा है ना, अमझेरा में फोर्ट बना हुआ है ना, किला, तो अमझेरा का जो किला है उसको गवर्नमेंट ने स्टेट हेरिटेज का वो दे दिया है। ठीक है, स्टेट हेरिटेज का टाइटल दे दिया अमझेरा फोर्ट को, बिकॉज ही रूल्ड देयर। ओके, तो मालवा रीजन के कौन कौन हो गए हमारे? शादत खान हो गए, बख्तावर सिंह हो गए। ठीक है, शादत खान के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बख्तावर सिंह का क्या क्या है? ही वॉज द लीडर ऑफ अमझेरा धार। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 का रिवॉल्ट लड़ा है, ही कैप्चर्ड भोपावर। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, ही गॉट डिफीटेड है ना, उसके बाद 10 फरवरी 1858 को ब्रिटिशर्स कॉट हिम, और उनको 10 फरवरी को, उनको 10 फरवरी को उनकी जयंती भी मनाई जाती है, और उसी दिन इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और जो अमझेरा फोर्ट है उसको गवर्नमेंट ने स्टेट हेरिटेज फोर्ट के रूप में मतलब संरक्षित कर दिया है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो लीडर्स ऑफ मालवा रीजन। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना, एक और सदाशिव राव भी थे, सदाशिव राव, इन्होंने थर्ड लीडर हैं सदाशिव राव। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने उज्जैन है, उज्जैन के महीदपुर, उज्जैन में महीदपुर एक जगह हो, ठीक, मैं भी नहीं गई हूँ, आई डोंट नो, उज्जैन में महीदपुर एक जगह है, वहाँ से इन्होंने लड़ाई लड़ी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो था वो यूज़ करके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ही फॉट। ठीक है, सदाशिव राव, और नाम से भी समझ आ रहा है मराठा लीडर, ये आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, अगर कभी 3 मार्क्स में आ गया प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि ये कहाँ के लीडर थे, कहाँ से इन्होंने रिवॉल्ट को कंडक्ट करा, तो वी कैन एटलीस्ट आंसर इट। ठीक है, तो ये तीन हो गए मालवा के लीडर्स। अब हम आएंगे निमाड़ पे। ठीक है, निमाड़ रीजन के कौन कौन लीडर्स थे? निमाड़ रीजन के मेन लीडर अगर हम देखें तो भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक हमको पता है कौन थे भीमा नायक, एंड वाई भीमा नायक इज इम्पोर्टेंट? तो भीमा नायक वॉज द लीडर ऑफ निमाड़, है ना, हु रिवॉल्टेड इन 1857। ठीक है, ये पता है हमको। ठीक है, और इनको क्या कहते थे, टाइटल था इनके पास, किस किस चीज़ का टाइटल था इनके पास? ये टाइटल ऑफ रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। ठीक है, क्या इनको रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ कहते थे? ठीक है, निमाड़ पता है ना, खंडवा खरगोन डिस्ट्रिक्ट, इसको निमाड़ कहते हैं। ठीक है, तो इनके पास टाइटल थे, इनको कहते थे रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, और क्यों कहते थे ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगी प्रॉपर। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि भीमा नायक, ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन बड़वानी। ठीक है, बड़वानी में भी अगर हम प्रॉपर प्लेस देखें तो ये फोटो में देखिए आपको मिलेगा ढाबा वावड़ी ऑफ बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस गांव के ये थे, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1840 कहीं पे 42 भी मिलता है, दोनों जगह मिलती है। ठीक है, तो बड़वानी में ढाबा बावड़ी एक जो जगह थी वहां पे ही वॉज बॉर्न। ठीक है, और इन्होंने 1857 का रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स से इन्होंने लड़ा था, और कहते हैं कि तात्या टोपे जो थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ, वो व्हेन ही केम, वंस ही केम, तो इन्होंने ना उनकी हेल्प भी करी थी टू क्रॉस नर्मदा, तो वो तात्या टोपे ने तब इनको वो भी करा था अप्रिशिएट टू लाइक फॉर हिज लाइक वॉर्स एंड जो उनके रिवॉर्ड्स थे उनके लिए इन्होंने अप्रिशिएट भी करा था। ठीक है, ये याद रखना है हमको। उसके बाद क्या याद रखना है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीएससी इज अ वेरी मतलब लाइक दे कैन आस्क इट कि है ना, ऐसा कौन सा लीडर था जिनको पोर्ट ब्लेयर में, जिनकी डेथ पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, जिनको पोर्ट ब्लेयर में भेज दिया गया था। हमको पता है ना अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इनको पकड़ के वहाँ पे भेज दिया गया था सेलुलर जेल। ठीक है, वहाँ पे इनको भेजा था, वहीं पे इनकी डेथ हुई, और इनकी डेथ कब हुई थी, डेथ की डेट हमको याद रखनी, इनकी डेथ हुई थी 11th अप्रैल, नो सॉरी 19th दिसंबर 1876। ठीक है, 19th दिसंबर 1876 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न इन 1840 या 42 भी कहते हैं, जो भी है ऑप्शन, मतलब लाइक आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, एमपीपीसी इतने क्लोज ऑप्शन तो नहीं देगा, और देगा तो यू नो दैट द आंसर विल बी डिलीटेड या फिर ऑब्जेक्शन हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है क्या 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 याद रखना है, भीमा नायक वॉज अ लीडर ऑफ निमाड़ रीजन। ठीक है, ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, ही हैड अ टाइटल ऑफ रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि ही वर ने क्या क्या था, ना ही वॉज सेंट टू द पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल ऑफ पोर्ट ब्लेयर आफ्टर ब्रिटिशर्स कॉट हिम, एंड ही डाइड ऑन 19 दिसंबर 1876। ठीक है, ये हो गया भीमा नायक के बारे में पूरा। और हाँ, एक और चीज़ याद रखनी, एक बैटल ऑफ अम्बा पानी था, इन्होंने वो भी लड़ा था, कौन सा, बैटल ऑफ अम्बा पानी कहते हैं। ठीक है, अम्बा पानी जगह होगी, अम्बा पानी। ठीक है, अम्बा पानी, इसकी डेट क्या, इसकी डेट है 11th अप्रैल 1858, 11th अप्रैल 1858 को इन्होंने बैटल ऑफ अम्बा पानी
लड़ा था ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी, ये तो पूरा आपका 5 नंबर का आंसर तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। कंक्लूड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि ये देखिए फोटो में आपको दिख रहा होगा कि भीमा नायक मेमोरियल एट विलेज थाबा वावड़ी ऑफ बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 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 मतलब आई गेस 2017 में, हाँ जी 2017 में है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने भीमा नायक मेमोरियल बनाया है कहाँ पे, विलेज बावड़ी, ढाबा बावड़ी में, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक ये चीज़ करिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है, वो करा है कि शहीद भीमा नायक परियोजना, एक जो परियोजना है, योजना होगी, परियोजना जो भी है, तो शहीद भीमा नायक के नाम पर रखी है। ठीक है, तो दो इनिशिएटिव्स हो गए स्टेट गवर्नमेंट के, ये बहुत ही अच्छे फैक्ट्स हैं जिनसे आप इनको अपने आंसर्स को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो दो ये हो गए आपके निमाड़ रीजन के पहले पहले लीडर भीमा नायक। अब दूसरे जो लीडर देखेंगे वो देखेंगे हम खाजा नायक। खाजा नायक कौन थे, खाजा नायक के बारे में बहुत डिटेल नहीं है आपको, बस इतना ही लिख सकते हो आप कि 1857 रिवॉल्ट के लीडर थे और निमाड़ के लीडर थे, और ही सपोर्टेड भीमा नायक इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, दिस इज द थिंग यू शुड राइट। हाँ, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है कौन, तांत्या भील। इनका तो नाम आपको पता ही होगा, अपने प्रिलिम्स दिया होगा लास्ट वाला, तो लास्ट टू लास्ट वाला तांत्या भील के नाम पे क्या ही हुआ। तांत्या भील का वो नाम टुंड्रा, तांत्या मामा, मतलब क्या नाम है इनका। ठीक है, तो तांत्या भील या इनको तांत्या मामा भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी स्टोरी है कि तांत्या मामा क्यों कहते हैं। तो कहते हैं ना कि मामा सारे काम करते हैं शादियों में, तो तांत्या भील वॉज यूज टू डू ऑल द वर्क, मतलब जो भी एक ऑनररी वर्क होते हैं है ना अपनी कम्युनिटी के, तो ये करते थे सारे काम है ना, अगर कोई नहीं होता था या कुछ भी, तो इसीलिए इनको मामा कहने लगे थे। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं कि हर भील को मामा कहने लगे आफ्टर हिम। तो इनका नाम बहुत सारे इनके नाम में है, तांत्या भील, तांत्या मामा, टुंड्रा, तांत्या अकेला, ऐसे ऐसे करके इनके बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको कहते हैं रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। ठीक है, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ कौन थे, भीमा नायक, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कौन है, तांत्या भील। क्यों कहते हैं इनके रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, इसकी स्टोरी में बताती हूँ मैं आपको। जो पहले वाले भीमा नायक बता रही थी रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ क्यों कहते हैं, दैट वॉज नॉट वैलिड देयर, दैट इज वैलिड हेयर। ठीक है, क्या हुआ था कि वैन ही गॉट कॉट ना, हाँ जी, वैन ही गॉट कॉट, ये हाँ, जब ये अरेस्ट हुए थे ना, कब अरेस्ट हुए थे, ब्रिटिशर्स ने इनको 10 नवंबर 1889 को अरेस्ट किया था। ठीक है, उस डेट को जब ये अरेस्ट हुए, तो फिर ना न्यूयॉर्क टाइम्स में इनके अरेस्ट की खबर छपी, और वहाँ पे इनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया। मतलब ऐसे बोला गया कि रॉबिन हुड ऑफ इंडिया वॉज अरेस्टेड, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट वॉज देयर, तब से इनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहने लगे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स में 10 नवंबर 1889 को इनके अरेस्ट की न्यूज़ छपी, तब से इनका नाम रॉबिन हुड ऑफ इंडिया पड़ गया। ठीक है, इतनी चीज़ हमको इनके बारे में याद रखनी है। और इनके बारे में क्या याद रखना है हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि 1889 में इनको अरेस्ट किया गया था, और उसी टाइम पे इनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, और अभी अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखो, कंक्लूड अगर आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स करते हो ना, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ये नहीं कि यू आर पॉलिटिशियन, यू आर टिल्टेड टूवर्ड पॉलिटिक्स, बट यू आर अवेयर ऑफ योर स्टेट, कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है एज सिविल सर्वेंट एटलीस्ट, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, इसीलिए ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, तो तांता भील इसका आप कंक्लूड कैसे करोगे, इसको आप कंक्लूड ऐसे कर सकते हो, भंवरको पे रह रहे हो ना, भंवरको में क्या है, भंवरको अगर स्क्वायर का नाम चेंज हुआ है ना, क्या नाम चेंज हुआ है, तांत्या मामा स्क्वायर है ना, जन नायक तांत्या मामा स्क्वायर, ऐसे करके नाम चेंज हुआ है पूरा भंवरको का। ठीक है, तो क्यों करा है गवर्नमेंट ने, क्या जरूरत थी है ना, जरूरत ये होती है कि इनको अप्रिशिएट करना है, इनकी एफर्ट्स या इनकी शहादत जो रही है उसको एड्रेस करना। ठीक है, तो जन नायक तांत्या मामा स्क्वायर, ठीक है, ये भंवरकुआं का नाम चेंज हुआ है। और एक और चीज़ क्या हुई है, इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, इनकी हुई नहीं है, पुरानी बात है, तो इनकी समाधि है पाताल पानी में, ये याद रखना है। ठीक है, इनकी समाधि कहाँ है, पाताल पानी में। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें तांत्या भील के बारे में याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या हुआ है, तांत्या भील वॉज द लीडर ऑफ निमाड़, हाँ, ही फॉट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इनको तांत्या मामा तुंड्रा भी कहते थे, ही इज ऑल्सो नोन एज द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, बिकॉज इन ऑन 10 नवंबर 1889 व्हेन ही गॉट अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, तो देन इन द न्यूयॉर्क टाइम्स ही वॉज एड्रेस्ड एज रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड एट लास्ट वील कंक्लूड दैट ही वॉज अ ग्रेट लीडर, एंड इन हिज ऑनर मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट लाइक चेंज द नेम ऑफ भंवरको स्क्वायर इज जननायक तांत्या मामा स्क्वायर, एंड हिज समाधि इज रेस्टिंग रेस्टिंग प्लेस इज एट पाताल पानी। ठीक है, पाताल पानी में है। ठीक, इतनी चीज़ें बता देंगे, ये हो गया हमारे निमाड़ के लीडर्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे, महाकौशल रीजन पे आएंगे। महाकौशल रीजन
महाकौशल रीजन कौन सा है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था महाकौशल रीजन जबलपुर, डिंडोरी, कटनी और ये छिंदवाड़ा, ये बालाघाट वाला, ये वाला रीजन जो है छिंदवाड़ा तो इधर आ गया, ये वाला जो रीजन है इसको महाकौशल रीजन कहते हैं। विंध रीजन कौन सा? ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसको हम क्या कहते हैं? विंध रीजन कहते हैं। ठीक है, अब इसके मेन मेन लीडर्स कौन है? इसके मेन लीडर्स देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेंगे ठाकुर रणमत सिंह। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा ही है यहाँ के जो लीडर्स हैं। तो कौन है? ठाकुर रणमत सिंह। ठीक है, ये कहाँ के लीडर थे? है ना, कटनी, रीवा, रीवा कह सकते हो क्या, इस वाले एरिया के ये लीडर थे। ठीक है, इन्हों का इनका इम्पोर्टेंट क्या है भाई? 1857 का रिवॉल्ट इन्होंने लड़ा था, और इनके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि एक जो मेजर कैलिस थे, वहाँ मेजर कैलिस थे, मेजर कैलिस है ना गवर्नमेंट, वो ब्रिटिशर्स के जो होंगे मेजर कैलिस। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने उनकी इनको मार दिया था, ही किल्ड मेजर कैलिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटिशर्स कॉट हिम एंड हैंगड हिम इन आगरा। ठीक है, ये अपन को बताना है। ठाकुर रणमत सिंह वॉज अ लीडर ऑफ महाकौशल विंध्य रीजन। ठीक है, एंड ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ही इवन किल्ड मेजर कैलिस ऑफ ब्रिटिशर्स है, एंड दैट्स वाई ही गॉट कॉट एंड ही गॉट अरेस्टेड एंड हैंगड इन आगरा। ठीक है, ऐसे हमको इनके बारे में ये बताना है। एंड ही वॉज अ लीडर ऑफ रीवा, प्रॉपर एरिया आप बताओगे, कटनी रीवा वाला बताएंगे। ठीक है, और महाकौशल विंध्य रीजन के कौन कौन से लीडर हैं? देखो, अवंती बाई, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन में हमने पढ़ा है, लेकिन अगर प्रॉपर इस एरिया के लीडर्स का लिखना होगा तो आप अवंती बाई को मैंशन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, आप अवंती बाई के बारे में डिफाइन कर दो, बिकॉज शी वॉज अ लीडर ऑफ दिस रीजन ओनली। ठीक है, उसके बाद कौन सा? गिरधारी बाई, वही अवंती बाई की बॉडीगार्ड शी वॉज। और कौन था? और थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। देखो, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इनको मेंशन करा है, ये देखिए जो फोटो है ना, रघुनाथ शाह, शंकर शाह की। ठीक है, ये मतलब इनका मेमोरियल स्टैचू बना हुआ है, वो लेट यू नो, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, पिछले साल मतलब 2020 का जो मेंस हुआ, इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, रघुनाथ शाह आ गया था 3 नंबर में। ठीक है, लिखना था आपको। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह कौन थे? देवर दी डिस्केंडेंट ऑफ रानी दुर्गावती। ठीक है, गोडवाना, गोडवाना रीजन के, गोडवाना डायनेस्टी के थे ये दोनों, है शंकर शाह के बेटे थे रघुनाथ शाह। ठीक है, तो इन्होंने भी वही करा, इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा, लेकिन इन्होंने कैसे लड़ा? इनका एक अलग फॉर्म था, कौन का? देखो नाम लिख देती हूँ मैं, शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह। ठीक है, इनका एक अलग फॉर्म था, क्या फॉर्म था इनका? ये फॉर्म था कि ये गा गा के मोटिवेट करते थे लोगों को, और ऐसे ही यूज दे यूज टू फाइट। और ब्रिटिशर्स ने एट द एंड क्या किया? ब्रिटिशर्स ने ये किया कि ब्रिटिशर्स ने इनको एक तोप में, दे कैनॉन देम, है ना, शंकर शाह रघुनाथ शाह साथ में जबलपुर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसीलिए उनकी जो स्टैचू वहीं पे बना हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हमारे लीडर्स आए थे उन्होंने यहाँ पे कुछ वो भी करा था, माल्यार्पण एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो आते हैं वहाँ पे लोग, ये हो गए हमारे महाकौशल रीजन के। अब बुंदेलखंड रीजन के कौन कौन से लीडर्स थे? बुंदेलखंड रीजन के लीडर्स थे हमारे राजा बक्तावली। राजा बक्तावली क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, राजा बक्तावली, राजा बक्तावली कहाँ के लीडर थे? ये सागर के लीडर थे, पता है हमको। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 लड़ा, यही मेंशन करना है आपको, सागर की, ही वॉज द लीडर ऑफ सागर। हाँ, और इनका क्या इंपॉर्टेंट है ये लिख देंगे, जो बोधन दोहा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पीएससी में आया था ना क्वेश्चन, बोधन दोहा वॉज, बोधन दोहा, तो बोधन दोहा वॉज द आर्मी कमांडर, या उनकी आर्मी में थे बोधन दोहा। ठीक है, तो विद बोधन दोहा ही यूज टू फाइट, ही फॉट विथ लाइक ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये मेंशन करना है, इनकी जगह बस बता सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है मैंने। ठीक है, बोधन दोहा का भी हम फिर मैं अलग से मेंशन कर सकते हैं कि ही वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ बुंदेलखंड। उसके बाद हृदय शाह हम पढ़ चुके हैं, हृदय शाह कौन थे? हीरापुर सागर के थे, ही वॉज ऑल्सो अ लीडर ऑफ बुंदेलखंड। उसके बाद कौन हो गए? लक्ष्मीबाई, तो हम बता ही देंगे लक्ष्मीबाई, है ना, लक्ष्मी भले कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन में पढ़ा है, लेकिन अगर बुंदेलखंड रीजन के लीडर्स लिखने आएंगे तो आपको लक्ष्मीबाई को मेंशन करना है। ठीक है, शी वॉज द लीडर ऑफ बुंदेलखंड ओनली। ठीक है, उसके बाद तात्या टोपे, तात्या टोपे अब हम किस पर्टिकुलर रीजन का नहीं कह सकते क्योंकि ही वॉज नॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो पर हमें तात्या टोपे पढ़ना है। तात्या टोपे का हम क्या क्या देख सकते हैं कि, एक मिनट, हाँ जी, तो तात्या टोपे का क्या क्या देख सकते हैं? देखो, तात्या टोपे का अगर हम देखें तो तात्या टोपे को आप अलग से देख लें, तात्या टोपे, और बुंदेलखंड में भी आप एड ऑन कर सकते हो क्योंकि लक्ष्मीबाई के साथ ही तो लड़े थे वो। तात्या टोपे का ये था कि तात्या टोपे बस, वेट, ये बताती हूँ मैं, यहाँ पे बताती हूँ तात्या टोपे का। ठीक है, तात्या टोपे का बताती हूँ मैं कि तात्या टोपे वॉज बॉर्न इन 1813। ठीक है, 1813 में इनका जन्म हुआ था। इनकी बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, याद रखना है हमें। ठीक
ठीक है। और ये क्या थे, जो लक्ष्मीबाई और नाना साहेब और तात्या टोपे, ये तीनों बचपन में साथ में इनकी मतलब अपब्रिंगिंग हुई थी कह सकते हैं तो, ठीक है। तो ये था। और क्या था इनका इम्पोर्टेंट, हाँ कि नाना साहेब जो थे हमारे, है ना, 1857 के रिवॉल्ट में जो नाना साहेब लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे ये उनके आर्मी हेड थे, है ना, नाना साहेब के, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि 1857 के रिवॉल्ट में थोड़े आफ्टर सम टाइम, जब ब्रिटिशर्स ने नाना साहेब वाला ये जो एरिया था कानपुर वाला जो कैप्चर कर लिया था, तो नाना साहेब क्या नेपाल चले गए थे। उसके बाद तात्या टोपे अब क्या करते थे, तो तात्या टोपो ने क्या किया कि लक्ष्मीबाई के साथ जो रिवॉल्ट हो रहा था उन्होंने ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छे से इन्होंने लड़ा, लेकिन 1858 में पता है हमको कि झांसी की रानी हार गई, तो फिर झांसी भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, तो तात्या टोपे वहां से भाग गए और वो गुरिल्ला वॉरफेयर अपना कंटिन्यू करते रहे, ठीक है, कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद आफ्टर सम टाइम इनके एक जो ट्रेटर थे, ट्रेटर का नाम याद रखना है हमको, है ना, मानसिंह, मानसिंह जो था एक, जो जिसने धोखा दिया था, जिसने बताया था कि तात्या टोपे कहाँ के जंगलों में छिपे हुए हैं, शिवपुरी के जंगलों में थे ये, उन्होंने ब्रिटिशर्स को बता दिया था, ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद मतलब पकड़ लिया इनको, इनको 18 अप्रैल को, याद रखना है इनको 18 अप्रैल को, इनको शिवपुरी में 1859 को इनने शिवपुरी में, शिवपुरी पे एक चौराहे पे इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इनको फांसी पे चढ़ा दिया था, ठीक है। तो तात्या टोपे का सिग्निफिकेंस ये है, हमको अलग से अच्छे से बताना है। तात्या टोपे भीमा नायक से भी मिले थे, मैंने आपको ये भी मेंशन करा। तो तात्या टोपे वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज अ सेल्फलेस लीडर, ही वॉज नॉट फाइटिंग फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, ही वॉज लिटरली फाइटिंग फॉर होल इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो अगर आपको मेंशन करना है या इन्फ्लुएंस होना है तो गो लाइक रीड अबाउट हिम मोर, है ना। बाकी अकॉर्डिंग टू आंसर दिस इज इनफ, है ना, 5 नंबर के आंसर, 11 नंबर में नहीं आएगा तात्या टोपे, लेकिन 5 नंबर में आप इतना लिख सकते हो कि ही वॉज बॉर्न इन 1813, चाइल्डहुड नेम वॉज रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। और नाना साहेब के साथ इन्होंने वॉरफेयर लड़ा, उसके बाद लक्ष्मीबाई को उन्होंने ज्वाइन करा, उसके बाद इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ा, उसके बाद बिकॉज ऑफ द ट्रेटरनेस ऑफ ट्रेचरी ऑफ मानसिंह ही गॉट कॉट इन 88, ही गॉट कॉल्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड ऑन 18 अप्रैल 1859 ही वॉज हैंग टिल डेथ इन शिवपुरी, ठीक है। आपको इतना बताती ना इनके बारे में, ठीक है। नाउ वी आर डन विद ऑल द लीडर्स, अब हम नेक्स्ट चीज देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम सिर्फ लास्ट ईयर वाले ही देख रहे हैं, 2020 वाले, हर बार बता रही हूँ मैं आपको। वो रघुनाथ सिंह, रघुनाथ शाह 3 नंबर में आया है, वो मैं आपको आंसर पूरा बता चुकी हूँ क्या लिखना है आपको। अवंती बाई तो मैं आपको 5 नंबर में भी और बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, तो अवंती बाई भी आप लिख सकते हो, वहाँ की क्वीन थी क्या था, ठीक है। तो अब आंसर क्वेश्चन आप देख ले तो आपको थोड़ा अप्रोच समझ आ जाता होगा कि कैसे लीडर्स आते हैं। तो लीडर्स का सीधा देखो, आप देख रहे हो कि सीधा सीधा नाम दे दिया है, अब आप जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। तो आप इनका रीजन, उनका ईयर, उनका रिवोल्ट किस ब्रिटिशर्स के साथ, क्या कंफ्यूजन निकला, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग। नाउ इन आर नेक्स्ट वीडियो वील कवर ऑल आर सत्याग्रह, जैसे झंडा सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद वील बी डन विद इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फिर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है इन मध्य प्रदेश, ठीक है। वील बी डन विद दैट मूवमेंट, ओके, थैंक यू सो मच।